ललितपुर मेडिकल कॉलेज में स्थित जिला महिला अस्पताल प्रांगण में आज उस समय हंगामा मच गया जब मंच पर अतिथि के रूप में विराजमान एक व्यक्ति अचानक बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठने जाने लगा। तभी वहां पहले से मौजूद गजेंद्र अहिरवार ने मुख्य अतिथि की गाड़ी के आगे आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुख्य अतिथि के निजी सुरक्षा गार्डों ने कई बार गजेंद्र को पकड़कर गाड़ी के सामने से हटाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन गजेंद्र अहिरवार नहीं माना और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पंकज यादव पर गंभीर आरोप लगाता रहा। गजेंद्र अहिरवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ महीनों पहले पंकज यादव के कहने पर उसने इनकी एक चिटफंड कंपनी में लाखों रुपया लगाया था, लेकिन इस चिटफंड कंपनी से अभी तक गजेंद्र को उसका पैसा वापस नहीं मिला है। गजेंद्र ने बताया कि जब जब उसने अपना पैसा मांगा तब तब पंकज यादव ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की, जिसका शिकायती पत्र वह पुलिस अधीक्षक ललितपुर को भी दे चुका है, लेकिन आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित हताश हो गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस समय कार्यक्रम में हंगामा हो रहा था उस दौरान मंच पर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा एवं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य तथा पत्रकार बंधु एवं रक्तदान समिति के कर्मचारी तथा आम नागरिक भी मौजूद थे। उक्त आयोजन रक्तदान समिति द्वारा संपन्न कराया गया, जिसका शुभारंभ कवन मंदिर के महंत लखनदास जी महाराज द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार एवं समाज सेवियों और पार्षदों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, CMO, CMS एवं रक्तदान समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। मामला बताओ क्या है? पूरा मामला जो है 2019 में पीबी इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी इसने, वो भी चौबी मार्केट में स्टार्ट की थी, ठीक है फिर। और ये कहता था हम राजेश यादव जी का वो विश्वविद्यालय बन रहा है वहाँ पे इन्वेस्टिंग कर दिया, तुम्हारा पैसा वापस बाका रिटर्न देंगे टाइम टू टाइम। किस चीज में पैसे लगाए थे तुमने? IDFD रवि तिवारी जो काम करते थे, बिल्कुल सेम काम इसका है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पंकज यादव बनपुरा वाले। अच्छा, तुमने कितनी जमा करी पैसे? हमारे कम से कम इसने लालच दिया था कि गाली कराएंगे जो वो IDFD हमारा कम से कम 10-12 लाख रुपए है। अभी अगर जैसे हम गलत होते तो ऐसे बात कई बार शिकायत की है तुमने? हमने SP साहब के पास शिकायत दी है, जो मेरे पास प्रूफ मेहरबानी का जिनने मारा भी था हमें। अच्छा, शिकायत की थी हमने अभी की थी। किस चीज से मारा था तुम्हें? हमें हरगोविंद साहब का मेहरूनी में ब्रांच संभाल लाजू, ललितपुर में कोई ब्रांच नहीं है, अभी 1 तारीख को ओपन बचा अगले महीने में। इनकी ब्रांच कहाँ का है? इनकी ब्रांच है टीकमगढ़ मेहरोनी, मेहरोनी में टीकमगढ़ में कम से कम 4 लाख। मेहरोनी में कहाँ है? मेहरोनी में, मेहरोनी में रिलायंस पेट्रोल के बगल में। तुम्हारा कितना पैसा है जमा? हमारा 10-15 लाख रूपए। अच्छा, अगर हम गलत होते तो आपके सामने आने की हमारी हिम्मत होती? क्या चीज क्या कहा जमा किया था? कहते थे हम राजेश यादव जी के साथ काम करते हैं, मेरे पास प्रूफ है क्या हमारा कॉलेज में हम मतलब पैसा जमा कराते हैं और बाकायदा हम इन्वेस्टिंग करेंगे, वहाँ से आप लोगों पर रिटर्न करेंगे। हम ऐसे नहीं है, हम तो हमारे खिलाफ तो हम बोलने की क्षमता हो रही है और कोई ऐसे कई लोग। क्या नाम है, आप कहाँ के हो? गजेंद्र अहिरवार है, नैनोई के रहने वाले हैं हम। अच्छा, और दूसरा बात SP साहब के पास कंप्लेंट डाली है प्रॉपर। मैं गलत होता तो मैं आपके सामने आने की क्षमता रखता। मानने जी है मैसेज हमारे पास, मानने की धमकी दे क्या? दम हो तो लखनऊ आ जाए, एक बाप की औलाद हो तो इतना होता है कभी? तो अभी इधर ये कहाँ आए? अरे अभी इधर किधर आए थे? क्या प्रोग्राम था इधर? JM रक्तदान की समिति से आए थे, मुझे तो पता चला कि जो आए तो मैं इस वजह से आया था। अच्छा, और दूसरा बात मैं भी JM समिति से जुड़ा हुआ, मेरे पास भी सब कुछ है। पर डोनेट की बात है कि रवि तिवारी जी ने भी 50 लाख रुपए डोनेट किए थे यहाँ पे कुछ समय पहले। अच्छा, कौन सी संस्था को किए थे? लॉकडाउन में जो किए थे, लॉकडाउन के टाइम पे 2024-22 में किए थे ऑक्सीजन सेंटर को। पर वो आज बड़ा प्लॉट पाया गया, आप मुझे ये बताइए किन्ने बुलाया था इनके लिए? इनके लिए किन्ने इनवाइट किया था? इनके लिए इनवाइट किया था वो JMB की समिति, राठौर जी ने। अच्छा, राठौर जी ने इनवाइट किया था। पर अगर प्लॉट ना होती रवि तिवारी जो काम करते थे, बिल्कुल सेम काम इसका है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पंकज यादव बनपुरा वाले। तुमने कितनी जमा करी पैसे? हमारे कम से कम इसने लालच दिया था कि गाली कराएंगे जो वो IDFD हमारा कम से कम 10-12 लाख रुपए है। अभी अगर जैसे हम गलत होते तो ऐसे बात कई बार शिकायत की है तुमने? हमने SP साहब के पास शिकायत दी है, जो मेरे पास प्रूफ एक बार मेहरबानी का मारा भी था हमें। शिकायत की थी हमने अभी की थी। किस चीज से मारा था तुम्हें?
हमें हरगोविंद साहब मेहरूनी में ब्रांच संभालना जो लखपुर में कोई ब्रांच नहीं है, अभी 1 तारीख को ओपन रहता अगले महीने में। इनकी ब्रांच कहाँ है? इनकी ब्रांच है टीकमगढ़ मेहरूनी, मेहरूनी में टीकमगढ़ में कम से कम 40। मेहरूनी में कहाँ है? मेहरूनी में रिलायंस पेट्रोल के बगल में। तुम्हारा कितना पैसा है जमा? हमारा 10 से 15 लाख रुपए। अच्छा, अगर हम गलत होते तो आपके सामने आने की हमारी हिम्मत होती? क्या चीज क्या कहा जमा किया था? कहते थे हम राजेश यादव जी के साथ काम करते हैं, मेरे पास प्रूफ है। हमारा कॉलेज में हम मतलब पैसा जमा कराते हैं और बाकायदा हमें इन्वेस्टिंग करेंगे, वहाँ से आप लोगों पर रिटर्न करेंगे। हम ऐसे नहीं है, हम तो हमारे खिलाफ तो हम बोलने की क्षमता हो रही है और कोई ऐसे कई लोग। क्या नाम है? आप कहाँ के हो? गजेंद्र अवार है, नैनोई के रहने वाले हैं हम। अच्छा, और दूसरा बात, एसपी साहब के पास कंप्लेंट डाली है प्रॉपर। मैं गलत होता तो मैं आपके सामने आने की क्षमता रखता। मानने जी है मैसेज हमारे पास, मानने की धमकी दे क्या? दम हो तो लखनऊ आ जाए, एक बात की औलाद हो तो। इधर होता है कभी? तो अभी इधर ये कहाँ आए? अरे अभी इधर किधर आए थे? क्या प्रोग्राम था इधर? जे एम बेलखदान की समिति से आए थे। मुझे तो पता चला कि जी आए हैं तो मैं इस वजह से आया था। अच्छा, और दूसरा बात, मैं भी जे एम समिति से जुड़ा हुआ है, मेरे पास भी सब कुछ है। पर डोनेट की बात है कि देखिए, रवि तिवारी जी ने भी 50 लाख रुपए डोनेट किए थे यहाँ पे कुछ समय पहले। अच्छा, कौन सी संस्था को किए थे? लॉकडाउन में जो किए थे, लॉकडाउन के टाइम पे 2024-22 में किए थे ऑक्सीजन सेंटर को। पर वो आज कितना बड़ा प्रोजेक्ट पाया गया, आप मुझे ये बताइए। इनके लिए किन्ने इनवाइट किया था? वो जे एम बे की समिति राठौर जी ने। अच्छा, राठौर जी ने इनवाइट किया था। पर अगर फ्लोट ना हो, 40 वर्ष की उम्र तक सबको रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान युवा अवस्था में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आपका रक्तदान करने का मतलब है जिसको मिलेगा वो रक्त उसकी सेहत सुधरेगी, उसका जीवन बनेगा और आपके अंदर नया रक्त संचार होगा। इसलिए हर महीने आप लोग रक्तदान करते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम का कौन कौन मुकद्दमा दिया है? क्या जैसे कि आपको ज्ञात होगा, समस्त हिंदुस्तान में ये दिवस मनाया जाता है रक्तदान का। जैम भी रक्तदान समिति के तत्वावधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन हमारे महंत श्री रामलखन दास जी महाराज एवं कलेक्टर साहब एवं हमारे जितने भी अतिथि आए थे सबके द्वारा किया गया है। और आज शिविर में लगभग 20 से 25 और हो सकता है 30 लोग ब्लड डोनेट करेंगे। जनपद के जितने भी पत्रकार हैं, इनका सम्मान करने का हमें मौका मिला। हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने आकर हमको भी सम्मान दिया, अपना भी सम्मान लिया, एवं रक्तवीरों को हम लोगों ने सबका सम्मान किया। और अभी ब्लड डोनेशन कैंप चालू है और लगभग 3 से 4 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। समस्त जनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बाहर आपने एक अतिथि बुलाया था, बाहर विवाद की स्थिति हो गई थी, कौन थे अतिथि, किस चीज का विवाद हो रहा था? जी विवाद तो हमारी समझ में नहीं आया वो क्या है, क्योंकि हम अंदर थे, हम समस्त आप लोगों को आवाज लगा रहे थे। अभी जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। कौन थे वो, कौन आए? अभी हमें समझ में नहीं आया किससे क्या हो गया, अभी वो तो मालूम करेंगे तब पता चल जाएगा।